बहुत अच्छा काम जा रहा है। दो मिनट बैठे मजमा सारे लोग बेचारे छह छह घंटे से बैठे हुए छोड़ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों मैं आपको शुक्रगुजार हूं कि आज इस मजमे के अंदर इतनी बड़ी तादाद में सीमा चलानी साहिबा तारा साहिबा के और आप जनशक्ति तमाम की मेहनत के बलबूते पे यहाँ पर इतना बड़ा खवातीन का मजमा इस बात की गवाही कर रहा है कि इंशाअल्लाह ताला रावलपिंडी से सबसे ज्यादा जो काफिला खवातीन का होगा वो पाकिस्तान की तारीख में एक नया ही रकम कटेगा तारीख। ये कदम कदम बलाए ये सवाल है कुएं जाना ये कदम कदम बलाए ये सवाल है कुएं जाना जिन जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। आज इस मुल्क के अंदर अगर चार साल पहले देखा जाए 99 में देखा जाए तो एक लाल पिंडी से शीशा पिलाई हुई दीवार थी उसका नाम चौधरी तनवीर अहमद खान था जिसने 3 साल काम करती। यहाँ पे सरदार नसीम अहमद खान उनके साथियों में से थे जिसने शहबाज शरीफ के साथ जेल काटी। इस स्टेज पर बैठा हुआ एक एक शख्स अपने कायद के साथ खड़ा रहा। दूर की बात नहीं आज तो काके रो रहे हैं कोई अम्मी को याद करके रो रहा है कोई बच्चों को याद करके रो रहा है। क्या हमारी वालदा नहीं थी क्या हमारे बच्चे नहीं थे? लेकिन मेरे दोस्तों इस पाकिस्तान के अंदर ऐसी सियासत को फरोग दिया गया जो पाकिस्तान की तारीख में 75 साल तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। एक ऐसे शख्स को मसरद इक्तदार पर बिठा दिया गया जिसने यूनियन कौंसिल नहीं चलाई थी। रावलपिंडी के शहर चैनियों अपने कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ देखो 2013 से लेकर 2018 तक इस शहर ने मुस्लिम लीग को इज्जत नहीं दी ये कोई दूसरी बात नहीं है। 18 में क्या हुआ जीता हुआ इलेक्शन करवाया गया मैं उमर कैद लेके जेल चला गया लेकिन दानियाल चौधरी तो इधर था ना उसामा चौधरी राजा हनीफ तो इधर था शेख अफजलान तो इधर था यहां पर सब मौजूद थे भारी अक्सरियत से जीतने चाहिए थे लेकिन अवामी कुछ और भी थे। लेकिन जब अवाम का तूफान होता है तो अवामी को बहा ले जाता है। इस शहर को तामीर और तरक्की की मनाजर किसने तय की नवाज शरीफ ने किसने तय की नवाज शरीफ ने क्या दिया हॉस्पिटल दिए कॉलेज दिए खेल के मैदान दिए सफाई का निजाम दिया पार्क दिए टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिया क्या था जो नहीं दिया। और जाते जाते मैं सच के जाऊं अपने दोस्त के अपने भाई के अपने लीडर के जिसका नाम शहबाज आजम पाकिस्तान है शहबाज शरीफ 35 अरब रुपया आपके पानी की जरूरियात को पूरा करने के लिए देते हमारा जो जैसे दानियाल चौधरी ने कहा और मेरे भाई मलिक इमरान साहब ने जो हमारे डिवीजन सदर भी हैं मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहूंगा कि अगर आज 21 अक्टूबर वाले दिन भी हमने सिर्फ शक्लें दिखानी है और घरों को लौट जाना है तो ये किस्सा हमने बंद कर दिया। कैसे बंद किया है
तमाम सूबाई उम्मीदवार अपने हाथ से बसों में जो निश्चय देंगे, बसों में सवार करेंगे, वो बसें कौन सी हैं? खचड़ा बसे नहीं है, बेडफोर्ड नहीं है, यूटॉन लग्जरी बसेस में जाएंगे। और जैसे उसामा चौधरी ने कहा, जब लेके जाएंगे तो वापस भी उसामा चौधरी बस में आएगा, बस में आएगा। इनका कार्य होगा कि चारों सुबाई और दो शेष सुबाई सभियों के जो उम्मीदवार हैं उनके यहां से काफिले चलेंगे। बसेस का काफिले जो है हमारे कुछ आईजीपी रोड पे, कुछ पिशावर रोड के ऊपर मोटरवे के मुकाम पे इंशाल्लाह इकट्ठे हो जाएंगे। 21 अक्टूबर को कोई बंदा, याद रखे जो इस पंडाल में मौजूद है, हम अल्लाह के सामने तो झूठ नहीं बोल सकते ना, जब ऐसा कहते हैं तो किससे करते हैं? उस खुदा कुदरत को बदतर से करते हैं कि रात की तारीकी में उठाना गया, कहा पार्टी छोड़ दो सुबह चले जाओ। मुझे नहीं पता था कि 25 साल के बाद आना है, 10 साल के बाद आना है या 15 साल के बाद आना है। खुदा की कसम पर अपनी वफ़ात को तब्दील करके अपनी आने वाली नस्लों के तलक मिलना पिछले दिनों पिंडी का एक पेटू जो ससुराल जाना बड़ा पसंद करता था, जो हथकड़ी को देवर कहता था, वो रो रो के कह रहा है, रो रो के खुदा के लिए जो कहती है करने को तैयार, जो कहती है वो करने के लिए तैयार हूं। वो कहते हैं कि खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, हिसाब होगा, 9 मई का हिसाब होगा। दुश्मन वो काम ना कर सका जो इस शख्स ने किया, जो लोगों को जेलों में डालता था, जिसने अब तक जेल में लोगों को डाला, अटियाला जेल में लोगों को डाला। और मीरा शरीफ की मौजूदगी में मेरी बहन मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तार किया, एक बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार करना, एक बाप को 25 साल को उनकी बहादुरी को उनकी दिलेरी को उन्होंने आपका मजमा है, ये आपके बच्चों की मेहनत है, ये आपका मजमा है, आपके साथियों का मजमा है, आपकी लोगों से बालाना मोहब्बत का इजहार आज के जलसे में हो रहा है। मैं दोनों हाथों से आपको सलूट पेश करता हूँ और इंशाल्लाह आप अपने और में खड़ी सब लोगों से ज्यादा करेंगे।
खालसा बीबी बीबी चौदह बुलाने से पहले अगले मुकर्रर को मैं दो बातें आपसे करना चाहता हूँ। सीमा आंटी को मेरी तरफ से मैं सीमा जिलानी साहिबा का